मंगलवार शाम कर्नाटक की वरिष्ठ महिला पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरी लंकेश पत्र के नाम की लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका की संपादक थी और दक्षिण पंथी विचारों की कट्टर विरोधी थी। गौरी लंकेश को बाइक पर सवार हमलावरों ने बीती रात उस वक्त गोली मारी जब वो दफ्तर से लौटकर अपने घर का दरवाजा खोलने जा रही थी। फायरिंग के दौरान उनके सिर, गर्दन और सीने पर गोलियां लगी थी। At around 8 o'clock tonight, when Gauri Lankesh had come to the house, she parked her car in front of the gate and she opened the gate and she was going into her house. At that time, there was some firing. The people were there in the front of her house. They heard some gunshot sounds. After that, some people have come and seen. They have seen that Gauri Lankesh, before entering the house itself, she collapsed on the veranda. After seeing that she collapsed and gunshot wounds, the locals have informed the police. Police have immediately rushed to the spot and they found that the Gauri Lankesh lying on the pool of blood. On the inspection of the scene of offence, we found 4 empty cartridges wherein she has sustained some injuries. Where the bullet have entered her body, this will be known only after the post-mortem examination. लंकेश की हत्या की कड़ी निंदा हो रही है। राजनेताओं के अलावा पत्रकारों, समाज सेवियों और फिल्मी दुनिया से जुड़ी हस्तियों तक ने इस हत्या को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए लिखा, सच्चाई की आवाज़ को कभी चुप नहीं कराया जा सकता। गौरी लंकेश हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भी लंकेश की हत्या की निंदा की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बेंगलुरु से गौरी लंकेश की जघन्य हत्या की दुखद खबर मिली। मैं पत्रकारों के खिलाफ हर तरह की हिंसा की निंदा करता हूँ। बता दें कि कर्नाटक पुलिस ने गौरी के हत्यारों की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई हैं और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।